जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में किए थे ना कॉजेस, ऐसे ही रशियन रेवोल्यूशन का कॉजेस, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी लेक्चर्स अटेंडिंग किए थे या फिर जिन्होंने कर लिए हैं, जिनको सारे आते हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए ही रिवाइज है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं सुना उनके लिए बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम जैसे मैंने करवाया था वैसे मैं डिटेल में करवा दूँ, ठीक है। और हमेशा याद रखना सब्जेक्टिव है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में अलग अलग हेडिंग्स भी आपको 3 मार्क्स में आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर लॉन्ग मार्क्स में, मैं आपको बताती हूँ कि बेटा ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है, वो 5 के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, और उसके जो इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं वो आपको 1 मार्क और 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग्स के साथ साथ जो भी आपके माइंड में है कुछ भी, आपने उसको क्वेश्चन को पूरा एटलीस्ट आपने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। और एक और चीज, अगर आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखते हो ना तो कोई भी टीचर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आपने शॉर्ट हेडिंग लिखा हो और उस शॉर्ट हेडिंग को आगे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हो। अगर आपने कॉजेस को लाइंस में कर दिया तो 5 में से आपको बेटा सिर्फ 1/2 मार्क मिलेगा अगर आपने सिर्फ हेडिंग लिखी, ठीक है। आपने हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है, हर हेडिंग को जस्टिफाई करना है। तो कॉजेस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन में सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज, इसका मतलब क्या है कि रशिया का रेवोल्यूशन, जैसे फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था 1789, रशिया में रेवोल्यूशन, रशिया के रेवोल्यूशन का पहले तो ईयर याद रखो 1905। कॉजेज आ जाए, कंडीशन आ जाए, सर्कमस्टांसेस आ जाए, वन एंड द सेम। अगर मैं आपसे पूछती हूँ बेटा राइट 5 कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, राइट 5 सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन, या राइट 5 किसी भी तरह से कॉजेज आ जाए, कंडीशन आ जाए, सर्कमस्टांसेस आए, रीजन आ जाए, तो आपने मेन बताना है कि 1905 से पहले रशिया में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण लोगों ने रेवोल्यूशन किया और उस टाइम में गवर्नमेंट कौन सी थी। तो जब भी हम किसी भी कंट्री का रेवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वहां का रूलर कौन था, किस तरह की गवर्नमेंट थी, और अगर गवर्नमेंट लोगों को सेटिस्फाई कर रही थी, लोगों को कुछ राइट्स मिले थे, तो सबसे पहले सबसे नंबर जो 1 पे हमने बताना है पॉलिटिकल कंडीशन। अगर क्वेश्चन में सर्कमस्टांसेस लिखा है तो आप क्या लिखोगे, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। अगर क्वेश्चन में लिखा रीजन है तो आप क्या लिख दोगे, पॉलिटिकल रीजन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। अब पॉलिटिकल कॉज में आपने रशिया का रेवोल्यूशन का रूलर याद रखना है, ज़ार निकोलस सेकंड। सबसे पहले रूलर का नाम, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसका नाम, लुइस 16, ऐसे आपने याद रखना है, ज़ार निकोलस सेकंड वाज द रूलर ऑफ रशिया। अगर आपने इसको पॉइंट्स में करना तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे आपने पॉलिटिकल कॉज का फर्स्ट कॉज बताना है, ड्यूरिंग 1905 और बिफोर 1905 रूलर ऑफ रशिया वॉज ज़ार निकोलस सेकंड। नाम था उसका निकोलस, फर्स्ट सेकंड मतलब उनकी फैमिली। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं बाबर 1, बाबर 2, बाबर 3, तो बाबर 1, बाबर 2 उसका बेटा, बाबर 3 उनका ग्रैंडसन, है ना। लेकिन ऐसे निकोलस में हमने क्या याद रखा, 1 एंड 2 मतलब किंग का नाम सेम, उनका सरनेम आगे चलता था। ज़ार का मतलब किंग, ज़ार कोई नाम नहीं है, ज़ार एंड ज़ारीना, ज़ार मतलब किंग एंड ज़ारीना मींस क्वीन। तो ज़ार निकोलस सेकंड किंग का नाम, ज़ारीना अलेक्जेंड्रा उसकी क्वीन का नाम, है ना। तो उस टाइम पीरियड में ज़ार निकोलस सेकंड वाज़ द किंग रूलर ऑफ रशिया। ही वाज ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की सिस्टम काइंड ऑफ था, और मोनार्की सिस्टम की ही आगे टाइप क्या थी, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हेन ऑल द पावर्स आर इन द सिंगल हैंड। जब पावर सिंगल हैंड में क्या होती है, तो ना ही कंट्री में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ना ही लेजिस्लेचर होती है, ना ही एग्जीक्यूटिव होती है, ना ही जुडिशरी होती है। किंग ने, किंग का कहा गया हर वर्ड क्या होता है, लॉ। ऐसी कंडीशन में रशिया के लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, देवर नॉट गिवन राइट टू वोट, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट किसी भी तरह के पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। ये हो गया थर्ड रीजन, पॉलिटिकल कॉज, दैट पीपल ऑफ रशिया देवर नॉट गिवन पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स को आगे जितना मर्जी एक्सप्लेन करो, दे वर नॉट गिवन राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, दे वर नॉट गिवन राइट टू वोट, दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, क्योंकि उस टाइम पर में ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है, डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी। एंड दे वर नॉट इवन यू कैन से फ्री टू अपोज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द रूलर हाउस। तो ये भी सारे पॉलिटिकल राइट्स के अंडर आ गए। इसके बाद लास्ट में आपने बताना है रिलीजन। उस टाइम पीरियड में जैसे हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म है, वहां पे सेकुलरिज्म नहीं था, सिर्फ एक ही रिलीजन जो किंग का रिलीजन था वही ऑर्थोडॉक्स माना जाता था, दैट वाज क्रिश्चियनिटी।
क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन रिलीजन ऑफ रशिया एंड अदर, अदर मतलब कौन, जो मुस्लिम्स थे, या जैदिस्ट, जैदिस्ट का मतलब होता है एक और रेस, रिलीजन माना जाता है, या फिर जो नॉन नॉन क्रिश्चियंस मतलब थे, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. तो ये सारे उस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल कॉजेस थे जिसके कारण पीपल इन रशिया दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द किंग. दे वॉन्टेड टू चेंज दिस सिस्टम, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को पढ़ा हुआ था, फ्रांस में क्या हुआ था उन सबको पता था. ये हो गया आपका फर्स्ट पॉलिटिकल कॉज, क्लियर है? ठीक है, ख्वाहिश. हाँ जी बेटा. रूलर ऑफ रशिया ड्यूरिंग 1905. सिद्धांत चैतन्य, जार निकोलस सेकेंड, क्वीन जारीना एलेक्जेंड्रा. ठीक है, अब लोग क्वीन को भी हेट करते थे, ये हम आगे पढ़ेंगे. क्यों? बिकॉज उसका जो ओरिजिन था ना, वो जर्मन ओरिजिन था, जर्मन, जर्मनी से बिलोंग करती थी एंड जर्मन सेंट को मानती थी, जिनका नाम क्या था, रैस पुतिन, आर ए एस पी यू टी आई एन. जर्मन मॉन्क, मॉन्क कौन होते हैं, काइंड ऑफ सेंट, लेकिन वो जर्मनी से थे. और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया एंड जर्मनी क्या थी, एंटी पार्टीज, और इसीलिए रशिया के लोगों के मन में जर्मनी के लिए हेट था एंड दैट्स व्हाई दे हेटेड जारीना अलेक्जेंड्रा आल्सो. ये हम आगे बाद में करेंगे, लेकिन यहां तक सिर्फ इतना करो बच्चे. नो गुरपाल, यहां तक इतना हम बताएंगे कि पॉलिटिकल कॉज क्या था. अब जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, अगर तो डिटेल में पॉलिटिकल कॉज आता 3 मार्क्स में तो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो पॉलिटिकल कॉज इन सबको ना शॉर्ट पॉइंट्स में समअप करके अकॉर्डिंग टू 3 लाइंस में सारा आइडिया बता दो कि आपको पॉलिटिकल कॉज की नॉलेज है. लक्ष्य, हाँ जी. इसके बाद आ जाओ बटे सेकेंड, इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी मैटर्स, या रिलेटेड टू प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन. कि रशिया में उस टाइम पीरियड में लोगों को ऑक्यूपेशन क्या था, प्रोफेशन क्या था, मनी, मनी किस तरह से सर्कुलेट होता था. अब आपने सेकंड जो इकोनॉमिक में क्या याद रखना है, दैट ऑल द इंडस्ट्रीज इन रशिया वर अंडर द प्राइवेट कंट्रोल. प्राइवेट कंट्रोल का मतलब क्या है, कि रशिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी ये सारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं थी, ऑल वर अंडर द प्राइवेट कंट्रोल. प्राइवेट कंट्रोल का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन ज्यादा थी. अब ऐसी कंट्री जहां पे प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होगी, वहां पे सबसे ज्यादा सफर किनको करना पड़ेगा, लेबर्स को. क्यों? जब गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट, सपोज आपको पता है पेट्रोल का रेट अब कम हो गया, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, लेकिन अगर ये प्रॉपरली प्राइवेटाइज हो जाए तो क्या होगा, हर पेट्रोल पंप अपने पेट्रोल का क्या होगा, रेट अपना लगाएंगे. लेकिन गवर्नमेंट को हर कैटेगरी के बारे में सोचना पड़ता है, रिच के बारे में भी, मिडल्स के बारे में भी, और लोअर इनकम के बारे में. तो गवर्नमेंट जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनाती है सबके लिए. आवाज आ रही है बच्चे, प्लीज कीप क्वाइट. लेकिन प्राइवेटाइजेशन में ऐसा नहीं होता. प्राइवेट जो लोग हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना. वो ये नहीं देखेंगे कि रिच को हम कितना कर रहे हैं, मिडिल को कितना कर रहे हैं, लोअर को कितना कर रहे हैं. ये मेन लॉस था रशिया के लोगों को, बिकॉज एट दैट टाइम मेजर इंडस्ट्रीज वर अंडर द प्राइवेट पीपल. ठीक है, नंबर वन ये याद रखना. सेकंड फिर आपने याद रखना कि मेन सेंटर्स कौन से थे रशिया में. दो सेंटर्स याद रखो, सेंट पीटर्सबर्ग, ये किसी सेंट का नाम, सेंट के नाम के ऊपर जगह का नाम था, सिटी का नाम था, क्या नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. दो एरियाज याद रखने हैं. दीज वर द फेमस इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ रशिया. मेन ये याद रखो, नंबर वन ऑल द इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. सेकेंड मेन इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. थर्ड, रशिया मेनली क्या थी, एग्रीकल्चरल सिकॉन. लक्ष्य व्हाट हैपन आपको बहुत आता है, गुरपाल को तो आता ही है, प्लीज आप उसको गाइड मत करो. थर्ड है, रशिया वॉज द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन. यानी कि परसेंटेज की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, 85% पीपल देवर फार्मर्स एंड 15% पीपल देवर लेबर, वर्कर्स, लेबर या इंडस्ट्रीज में काम करती थी. इसका मतलब क्या है कि रशिया में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किसकी ज्यादा थी, फार्मर्स की. वर्कर्स भी थे. अब फार्मर्स के रिगार्डिंग जो थी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, जितने भी फार्म्स थे, जितने भी खेत थे, वीट का प्राइस है या जो भी क्रॉप्स का प्राइस था, वो प्राइवेटाइज था, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था. सो दैट्स व्हाई फार्मर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट. तो आजकल के टाइम पीरियड में यही देख रहे हैं ना कि फार्मर्स क्यों एजिटेशन कर रहे हैं, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन को अपोज कर रहे हैं. तो उस टाइम पीरियड में ऐसा हुआ जब लोगों ने अपनी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया. और आज भी, आज के टाइम पीरियड में रशिया क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है. रशिया में प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है. यही रीजन है लोग रशिया जाना प्रेफर क्यों नहीं करते,
बहुत रेयर सुना होगा कि लोग रशिया जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी है ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. वहां पे आपको जॉब जो है वो इजिली नहीं मिलती, वो सारी गवर्नमेंट कंट्रोल. यही रीजन है कि बहुत कम लोग हैं जो रशिया जाते हैं, क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है, या सिटीजन, आपको रशिया की सिटीजनशिप जो है वो इजिली नहीं मिलती. तो कुछ कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, तो यही रीजन होता है कि उन कंट्रीज में लोगों का आना जाना इतना जो है वो फ्री नहीं होता. पर हम बात कर रहे हैं 1905 के टाइम पीरियड की. नंबर वन, आपने फर्स्ट क्या बताना है, दैट ऑल द इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स कौन से थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. थर्ड क्या था, 85% ऑफ पॉपुलेशन किसकी थी, फार्मर्स की, 15% वर्कर्स. अब वर्कर्स की मेन प्रॉब्लम को लेकर आओ, क्योंकि रिवोल्ट अल्टीमेटली किन्होंने किया, वर्कर्स. क्या प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक कॉज बताना ना, हमने रीजन बताना है दैट वर्कर्स जो थे उनको किसी भी तरह से जो है वो कंडीशन जो थी वो हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी. देवर डूइंग जॉब इन द अनहाइजीनिक कंडीशन. फैक्ट्री एक्ट कोई नहीं था. फैक्ट्री एक्ट का मतलब क्या होता है, लेबर एक्ट नहीं था. काम करते करते अगर जिसे हम कहते हैं एक्सीडेंट हो जाता था तो किसी भी तरह से कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था. वर्किंग आवर्स वर टू लॉन्ग, 10 to 15 hours. देखा जाए हमारे इंडिया में अब फैक्ट्री एक्ट बन गया है, काम टाइम कितना है, 9 to 5. अगर 5 बजे के बाद अगर फैक्ट्रीज काम करवाती है तो फैक्ट्रीज को क्या देना पड़ेगा, ओवर टाइम. बट एट दैट टाइम ओवर टाइम वॉज नॉट गिवन टू द वर्कर्स. सो दैट्स वाई पीपल और वर्कर्स दे वॉन्टेड टू चेंज दिस सिस्टम, दे अपोज्ड प्राइवेटाइजेशन. एंड कहीं ना कहीं वर्कर्स दे वर फेसिंग लॉस बिकॉज देयर वेजेस वर वेरी लो. वेजेस कम थे एंड प्राइजेस वर वेरी हाई. चीजों के रेट बहुत ज्यादा थे, प्राइजेस जो थे वो बहुत हाई थे, लेकिन वेजेस कम थे, जिसके कारण पुअर पीपल दे बिकेम मोर पुअर. गरीब और गरीब होते गए, रिच बिकेम मोर रिच. तो ये जस्ट आपने इकोनॉमिक कंडीशन बताना है. कैन यू एक्सप्लेन, कर लोगे, ठीक है. ये इकोनॉमिक कंडीशन बताने के बाद थर्ड आपने बताना है सोशल कॉज. सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो मेन दो फैक्टर्स के बारे में हमने मेन बताना है सोसाइटी में. नंबर वन, एक तो आपने जैसे हमने फ्रांस में पढ़ा था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. लेकिन यहाँ पे आपने बिल्कुल भी एस्टेट सिस्टम नहीं लिखना. डिवीजन वैसी ही है, लेकिन आपने एस्टेट मेंशन नहीं करना. करोगे तो क्रॉस हो जाएगा. यहाँ पे सिर्फ आपने क्या बताना है दैट इन रशिया बिफोर 1905 सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स में. नंबर वन रूलर एंड नोबिलिटी, ठीक है. सेकंड में आपने क्या बताना है, या फिर ये बता दो रूलर एंड नोबिलिटी. सेकंड में आपने बताना है मेन पीजेंट्स एंड फार्मर्स. एंड थर्ड बता दो चर्च पीपल. वैसा ही है ना, सेम एस्टेट सिस्टम नहीं लिखना, लेकिन वैसे आप बता दो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, रूलर एंड नोबिलिटी, यानी कि एक तरफ किंग और उसके मिनिस्टर्स, दूसरी तरफ पीजेंट्स फार्मर्स एंड कॉमन पीपल, एंड सेंटर में आपने यहाँ पे क्या बता देना है चर्च पीपल. तीन तरह के मतलब लोग मेन सोसाइटी में थे. सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. वुमेन वर पेड लेस एज कम्पेयर टू मैन. सेकेंड पॉइंट बता दिया. थर्ड पॉइंट क्या बताओगे, नो डाउट वुमेन वर डूइंग जॉब इन परसेंटेज 31% टोटल पॉपुलेशन की. 31% जो वुमेन थी देवर यू कैन से एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज, यानी कि उस टाइम पर में वुमेन देवर डूइंग जॉब, कर रही थी क्या, फैक्ट्रीज में काम कर रही थी, लेकिन उनकी सैलरी इक्वल नहीं थी. तो दैट वॉज इनजस्टिस विद द वुमेन. फिर आपने बताना है रैंकिंग. रैंकिंग का क्या फर्क था, फैक्ट्रीज में ऐसे लोग जिनको मशीन चलाने की नॉलेज थी, जो मशीन ऑपरेट करते थे, या जिनको जो इंजीनियर्स थे जिनको स्किल आती थी, जिनको हाथ का काम आता था, ठीक है, दे वर गिवन मोर सैलरी एंड देयर यूनिफॉर्म वॉज डिफरेंट. लेकिन जो लोडेड या लोडिंग का काम करते थे, अनलोडिंग का काम करते थे, वर्कर्स थे, या फैक्ट्रीज में जो लोग सिर्फ जिसम कहते हैं कि चीजों को मैन हाथ से बना, जिनको मशीन की नॉलेज नहीं थी, उनका रैंक भी कम था, सोसाइटी में स्टेटस भी लो था, एंड उनकी यूनिफॉर्म भी कम थी, एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटेड. सोसाइटी में लोग जो थे वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज. आप खुद सोचो कि 1905 के टाइम पीरियड में जिसको टेक्निकल नॉलेज होती होगी फैक्ट्रीज में, उसका रैंक भी ज्यादा, उसकी सैलरी भी हाई, और उसका यूनिफॉर्म का जो कलर है वो भी डिफरेंट होता होगा. तो इस टाइम पीरियड में सोसाइटी में स्टेटस मैटर करता था कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है या नहीं. जो लोग सिर्फ लोडिंग का काम करते थे, लेबर करते थे, उनको सैलरीज भी कम दी जाती थी, और उनकी रैंकिंग कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता, एनी टाइम दे कैन बी डिसमिस फ्रॉम द जॉब. तो दिस वाज द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रशिया ड्यूरिंग दैट टाइम.
तीन आपने मेन बता देने हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। उसके बाद फोर्थ आपने बताना है। अब 1905 के टाइम पीरियड में मेन रेवोल्यूशन कौन लेकर आए, अलग अलग ग्रुप्स, लोगों की थिंकिंग, तो हमने बताना है। फोर्थ पॉइंट पे आप बता दोगे डिफरेंट ग्रुप्स वर देयर इन द सोसाइटी। चार मेन ग्रुप याद रखो, लिबरल्स, रेडिकल्स, डेमोक्रेट्स एंड रेवोल्यूशनरीज। कहीं ना कहीं इन ग्रुप्स के बीच में जो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, उसी के कारण ही रशिया के लोग जो थे वो 1905 में एक रेवोल्यूशन उन्होंने प्लान किया। कहीं ना कहीं सोसाइटी में थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था ना, रोल ऑफ फिलोसोफर वाज अ मेजर रीजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। लोगों ने फ्रेंच फिलोसोफर्स की बुक्स पढ़ी, बुक्स पढ़ के उनके माइंड में रेवोल्यूशनरी थॉट्स आई, जिनके कारण उन्होंने किंग के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। ऐसे ही सेम आपने इसमें बताना है, डिफरेंट ग्रुप्स वर इन रशिया और इन यूरोप, अलग अलग उनकी आइडियोलॉजीज थी, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज और क्या क्या थे, कंजर्वेटिव। अब एक एक लाइन में ना, हमेशा जब भी कोई ग्रुप आपको वन मार्क में भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि इनकी थिंकिंग क्या थी। लिबरल्स, जब मैं बोलती हूँ ना लिबरल्स, लिबरल्स का मतलब क्या होता है, द पीपल हु डिमांडेड लिबर्टी। लिबर वर्ड जो है वो किससे बना है, फ्रीडम, लिबर्टी। कौन थे लिबरल, वो लोग जो मोनार्की को क्या करते थे, अपोज करते। आपने एक एक लाइन में बताना है, इन इन रशिया और इन यूरोप द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, उनकी थिंकिंग अलग अलग थी। सम वर लिबरल, सम वर लिबरल का मतलब होता है जो फ्रीडम चाहते थे, वो किंगशिप से फ्रीडम चाहते थे, किंग से फ्रीडम चाहते थे, एंड उनका मेन जो है वो एटीट्यूड क्या था, बट दे वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर मैन, ओनली फॉर मेल। इसका मतलब है मेल लिबरल्स, लिबरल्स इसका मतलब वो किसके अगेंस्ट थे, किसके अगेंस्ट है लक्ष्य, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। दे डिमांडेड फ्रीडम, उनका मानना था कि कंट्री से जो है वो किंगशिप खत्म हो जाए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, लेकिन मैं विमेन को वो राइट टू वोट नहीं देना चाहती। सेकंड आ जाओ रेडिकल, जब भी मैं आपको बोलूंगी रेडिकल, रेडिकल वर्ड का मतलब ही क्या है, रेडिकल वर दोज पीपल जिनकी सारी थिंकिंग लिबरल्स के साथ मिलती थी, लेकिन एक पॉइंट पे वो वेरी करते थे, दैट वॉज क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिकॉज दे फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दे फेवर राइट टू वोट टू विमेन, ठीक है। थर्ड आ जाओ रेवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरीज कौन थे, दे वर इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन सडन, वो चाहते थे कि सडन चेंज हो जाए, पूरा का पूरा सिस्टम को थ्रो बैक करें और अचानक से कंट्री में ऐसा हो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, इनको कहते हैं रेवोल्यूशनरी। अगर मैं बात करूं हमारी कंट्री में भी ऐसे ही ग्रुप थे, सपोज रशिया के लोग हमारी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री में क्या पढ़ेंगे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, एक थे मॉडरेट्स और एक थे रेवोल्यूशनरी। भगत सिंह का नाम किसमें आता है, रेवोल्यूशनरी, ठीक है। तो ऐसे ही हम जब रशिया का पढ़ रहे हैं, तो हमने ये पढ़ना है कि एट सम पीपल दे वांटेड रेवोल्यूशन इन द कंट्री एंड दे वर कंसिडर्ड एज रेवोल्यूशनरीज। एक और ग्रुप था कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स कौन, कंजर्वेटिव कहते हैं ना कि हम कई बार कहते हैं कि आपकी थिंकिंग बहुत पुरानी, आप तो कंजर्वेटिव हो। स्लो चेंजेस, स्लो चेंजेस का मतलब है दे फेवर्ड मोनार्की सिस्टम, दे फेवर्ड किंगशिप, वो एकदम से सारा सिस्टम चेंज नहीं करना चाहते थे। दे बिलीव इन मोनार्कल आइडियाज, दे बिलीव इन चर्च सिस्टम, वो चर्च की इंटरफेरेंस पे विश्वास करते थे, इसका मतलब वो ओल्ड ट्रेडिशंस पे विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि कंट्री में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं आना चाहिए। हाँ, अलग बात है कि किंग धीरे धीरे चेंजेस लेकर आए, लेकिन किंग कोई चेंज ना कर दे, देवर कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग आए जिनकी थिंकिंग चेंज हुई, और कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग जो है वो 1905 के रेवोल्यूशन को लाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। लास्ट आ जाओ पॉलिटिकल पार्टीज, पहले ग्रुप लिखोगे, ग्रुप के बेसिस के ऊपर ही क्या बनी फिर पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले आपने ये बताना है, नो डाउट इन रशिया पॉलिटिकल राइट्स वर नॉट गिवन टू पीपल, दे वर नॉट गिवन राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, बट स्टिल मैनी पॉलिटिकल पार्टीज वर फॉर्म्ड इलीगल, इलीगल पार्टीज बनी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब ना अपने पार्टीज के नेम याद रखो और ईयर याद रखो, ये आपको वन मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। नंबर वन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP, आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1898
1898 बाद में इसी पार्टी का नेम चेंज हुआ था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898। ये आपको वन मार्क के अकॉर्डिंग आपको इसका ईयर या पार्टी का नेम आ सकता है। और ये पार्टी जो थी क्या थी, ये सोशलिस्ट आइडिया। सोशलिस्ट का मतलब होता है सोसाइटी के लिए, जो पार्टी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए फेवर करती है। एंड दे बिलीव इन मार्क्स। मार्क्स आइडिया मीन्स कार्ल मार्क्स। अब ये कौन थे कार्ल मार्क्स? अगर मैं आपको ये बताऊं कि बेटा जस्ट गिव मी वन नेम ऑफ सोशलिस्ट, अब ये भी एक नई थिंकिंग थी सोशलिस्ट। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बेटा 3 मार्क्स में मुझे ये बताओ कि सोशलिस्ट कौन थे या सोशलिस्ट आइडियाज क्या होते हैं, तो आपने कैसे बताना है? नंबर वन, सोशलिस्ट मतलब पर्सन, सोशलिज्म मतलब आइडिया। ठीक है, जैसे हम मैं कहती हूँ ना, सुनो, लिबरल मतलब पर्सन और लिबरलिज्म मीन्स आइडिया, डेमोक्रेट मीन्स पर्सन, डेमोक्रेसी इज अ आइडिया। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं हु वर सोशलिस्ट या हु आर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट आर दोज पर्सन हु बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी, जो पूरी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बिलीव करते हैं, दे आर कॉल्ड सोशलिस्ट। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म, तो सोशलिज्म इज अ आइडिया दैट बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करो, सोशलिस्ट मतलब, जैसे अगर मैं ये पूछूं कि हु वर द कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स हो गए पीपल, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या हो गया? आइडिया। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा हु वर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स वर दोज पीपल हु बिलीव्ड इन स्लो चेंजेस एंड दे बिलीव्ड इन मोनार्किकल आइडियाज एंड दे बिलीव्ड इन किंगशिप या चर्च सिस्टम। What do you mean by conservatism? Conservatism क्या होता है? Idea that believe in. ऐसे. अब ऐसे ही आ जाओ socialist. Karl Marx socialist थे जिनका ये मानना था कि society का welfare जो है वो government का main aim होना चाहिए. इन्होंने एक book लिखी थी, उसका नाम क्या था? Das Kapital. अब यहाँ पे एक और नया word आया. कौन सा word आया? कैपिटल। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मतलब आपके हाथ में मनी और आपके पास जो फिक्स एसेट्स है। सपोज आपके पास बैंक में जो भी मनी है एंड प्लस आपके पास फैक्ट्रीज है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो अच्छा मुझे ये बताओ, एक तरफ कैपिटलिस्ट है एक तरफ सोशलिस्ट है, किसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होगा? कैपिटलिस्ट। अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या होता है? आइडिया, आइडिया इन विच द मेन एम ऑफ पर्सन इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो व्हाट डू मीन बाय कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? सेम पर्सन हुज मोटिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? रशिया, अब लिसन, रशिया अब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है? सोशलिस्ट है। अच्छा इंडिया क्या है? इंडिया मिक्स है, हाँ मिक्स। एक तरफ आप देखो टाटा बिरलास, वो क्या है? कैपिटलिस्ट है। और एक तरफ हमारी कंट्री में अभी भी बहुत से रेलवे या बहुत से ऐसे जो हैं रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के अंडर है, पेट्रोल पंप्स है, व्हाटएवर जो भी है। तो वो शो करता है कि हमारी कंट्री ना पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है ना पूरी तरह से सोशलिस्ट है। हमारी कंट्री में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। लेकिन रशिया उस टाइम पीरियड में पूरी तरह से किनके अंडर था? किनके अंडर था? कैपिटलिस्ट के अंडर था। और इसीलिए कुछ लोगों ने, उन्होंने थिंकिंग क्या थी, कार्ल मार्क्स, इन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी का मतलब क्या होता है? कि एक ऐसी पार्टी जो पार्टी किस पे बिलीव करती है? सोशलिस्ट आइडिया। और आगे जाकर इन्हीं पार्टी के लोगों ने कंट्री में रेवोल्यूशन लाने का प्लान किया। और इस पार्टी का नाम क्या रखा उन्होंने, जो मार्क्स के आइडियाज के ऊपर बेस थी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। बाद में नेम चेंज किया रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इन 1898। अगर मैं आपसे वन मार्क में ये पूछूं नेम द पार्टी बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स आइडियाज इन रशिया, पार्टी का नाम एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड? 1898। अच्छा लिसन, अभी ना टर्न वाइज ना मैं वर्ड बोलूंगी, आपने मुझे आइडियोलॉजी बतानी, क्योंकि जब तक आपको आइडियोलॉजी क्लियर नहीं ना होगी आप आगे लर्न नहीं कर सकते। निवेदिता
कैपिटलिज्म क्या है, क्या अंडरस्टैंड करते हो इस टर्म से आप? अच्छा, एक कंट्री में कैपिटलिज्म है, इट मींस उस कंट्री में क्या है, कैसा सिस्टम है? ऑल द फैक्ट्रीज आर इन अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट हैंड्स, ठीक है? हाँ जी, एक कंट्री सोशलिस्ट है, 100% सोशलिस्ट है, वहां पे क्या होगा? गवर्नमेंट कंट्रोल। चाइना, चाइना देख लो, रशिया देख लो, ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है सारी, ठीक है? हाँ जी रितिका, अगर एक कंट्री में 100% कंजर्वेटिज्म है तो वहां पे क्या होगा, क्या वहां पे राइट टू वोट होगा, मोनार्की सिस्टम होगा, ठीक है? हाँ जी, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड कंजर्वेटिव्स? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड कंजर्वेटिव्स? इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस विल बी हेल्ड, ठीक है, और टर्म क्या होगी, टर्म फिक्स नहीं होगी, रूलर्स कैन बी चेंज, बट इन कंजर्वेटिव्स मोनार्की सिस्टम विल बी देयर, है ना? लाइक इन इंडिया बिफोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल डायनेस्टी, एट दैट टाइम हमारी कंट्री में क्या था, कंजर्वेटिज्म था, मोनार्की थी, सिद्धम। हाँ जी,